हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू जॉब वीडियो। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पीएससी का फॉर्म दोस्तों भरा जा रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों गृह विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, क्रमिक विभाग और शहरी विकास विभाग एवं बाल विकास विभागों में दोस्तों पोस्टें निकली हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों 189 है और यह फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, जिसकी दोस्तों फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 14 मार्च 2024 और लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2024 और आवेदन शुल्क 3 अप्रैल 2024 तक जमा होंगे और संशोधन के लिए दोस्तों 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का आपको समय मिलेगा, अगर कोई त्रुटि हो तभी। दोस्तों यहां पे सभी पदों का वेतनमान होगा 44,900 से 1,42,400 वेतनमान होगा। आवेदन शुल्क के मामले में सामान्य जाति का दोस्तों 172.30 रुपये और पिछली जाति का भी 172.30 रुपये और अनुसूचित जाति का दोस्तों 82.30 रुपये और दिव्यांग का दोस्तों 22.30 रुपये आवेदन शुल्क होगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई 165 सेंटीमीटर और सीना 84 से 89 के बीच होना चाहिए और महिला की लंबाई 150 सेंटीमीटर और उत्तराखंड पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव 84 से 89 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उम्र के मामले में उम्र है दोस्तों 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगी। योग्यता के मामले में दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा पद उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के लिए विधि द्वारा स्थापित परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट और परिवीक्षा अधिकारी के लिए भी दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए। परीक्षा के मामले में दोस्तों सबसे पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरी होगी मुख्य परीक्षा व लिखित परीक्षा होगी और तीसरे में दोस्तों साक्षात्कार होगा। वास्तविक प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रथम में सामान्य अध्ययन से संबंधित 150 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक एक अंक का होगा और टोटल होगा 150 नंबरों का होगा, समय होगा 2 घंटे का। और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा से संबंधित 100 प्रश्न आएंगे, जो एक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, टोटल होंगे 150 अंक, समय होगा 2 घंटे का। टोटल प्रश्न होंगे दोस्तों 300, समय होगा 4 घंटे का और 1/4 की दोस्तों माइनस मार्किंग भी होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में विषय होगा सामान्य हिंदी 3 घंटा 150 प्रश्न और निबंध का 3 घंटा 150 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 3 घंटा 200 प्रश्न। इस तरह दोस्तों टोटल 1500 अंकों की परीक्षा होगी। धन्यवाद दोस्तों, और भी नई जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।